हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ पेटीएम पोस्टपेड के बारे में। तो पेटीएम की तरफ से जो MDR चार्जेस आपका कट रहा है, वो आपका क्यों कट रहा है, किस लिए कट रहा है, आपको उसे कटने से कैसे बचाना है, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोगों का मतलब 30-30 हज़ार रुपये, 35 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये, इतना इतना कट रहा है। क्योंकि पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए हैं, तो उसी के आधार पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आपका जो बैलेंस है वो क्यों कट रहा है। बहुत से मेरे से बोल रहे हैं कि यार मेरा पेटीएम UPI से पेमेंट लिया तो भी मेरा सारा बैलेंस कट गया है, और मैंने पेटीएम वॉलेट से लिया, एक कार्ड से लिया तो भी मेरा बैलेंस कट गया है। तो आपका क्यों कटा है ये बात मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और आपका जो भी MDR चार्जेस कट रहा है वो आपको उसे कैसे बचाना आगे कटने से, और आपका ये क्यों कट रहा है, किन किन लोगों का कटेगा, ये सारी बात इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी आपको कोई भी बात हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकती हो, ठीक है दोस्तों। इन सारी बातों को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि पेटीएम पोस्टपेड क्या है, क्योंकि सारा खेल पेटीएम पोस्टपेड का ही है जो आपका MDR चार्जेस कट रहा है, ठीक है। तो पेटीएम पोस्टपेड एक क्रेडिट लिमिट है जो आपको पेटीएम की तरफ से दी जा रही है 1 महीने का यूज़ करने के लिए। अगले महीने 7 तारीख से पहले आपको कन्वेंस फीस देनी पड़ती है, उसके साथ आपको पे करना होता है, ठीक है। तो ये आप ले सकते हो, आपके क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट स्कोर जो होता है उसके आधार पर आपको ये पेटीएम देता है, ठीक है। तो ये आप कभी भी एक्टिवेट कर सकते हो। एक्टिवेट कैसे करते हो वो मैं आपको आगे लास्ट में बता दूंगा वीडियो में। फिलहाल आज बात कर रहे हैं कि किस किस का चार्ज जो कट रहा है, कैसे कट रहा है, क्यों कट रहा है, ठीक है। तो आपको पेटीएम पोस्टपेड जो होता है मैंने आपको बता दिया, क्रेडिट लिमिट है आपको यूज़ करने के लिए पेटीएम देता है, तो इसी के आधार पर ही MDR चार्जेस आपका कट रहा है। क्यों कट रहा है ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आप एक जनरल स्टोर के मालिक हो, आपके कोई जनरल स्टोर है, आपने एक QR कोड लगा रखा है, आपने कोई पेटीएम बिजनेस अकाउंट अपना ओपन करा रखा है, ठीक है। अगर पेटीएम बिजनेस अकाउंट ओपन नहीं करा रखा, खाली पेटीएम चला रहे हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने पेटीएम बिजनेस अकाउंट ओपन करा रखा है और उसका QR कोड अपने दुकान पर लगा रखा है, तो आपका कोई भी कस्टमर आता है, उसे स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद अगर वो कस्टमर पेटीएम पोस्टपेड यूज़ करता है, उसने एक्टिवेट कर रखा है, उस लिमिट को यूज़ करता है वो, तो स्कैन करने के बाद में उसके पास ऑटोमेटिकली उसके पास ऑप्शन आ जाएगा पेटीएम पोस्टपेड से पे करने के लिए, ठीक है। तो पेटीएम पोस्टपेड से अगर वो आपके पास पेमेंट पे करता है तो उसके अकाउंट से तो कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा, मगर आपके अकाउंट में जब बैलेंस आएगा तो MDR चार्जेस कट के आएगा, ठीक है। उसका कोई नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है, क्योंकि आपके पास जो बैलेंस आएगा वो MDR चार्जेस कट के आएगा, ठीक है। तो ये पेटीएम पोस्टपेड का ही खेल है जो आपका MDR चार्जेस कट रहा है, ठीक है। तो आपको जो करना है, आपका अगर बैलेंस अभी तक MDR चार्जेस जो भी था टोटल शुरू से लेकर जब से लागू हुआ, करीब 6-7 महीने हो गए MDR चार्जेस कटते हुए, तो जिन जिन का भाइयों का अभी तक नहीं कटा है, वो सोच रहे हैं कि मेरा नहीं कटेगा, आगे भी बचता रहेगा, तो ऐसा मत सोचना। कभी भी आपका ज़्यादा अमाउंट आएगा तो एक साथ सारा का सारा अमाउंट काट लेगा, ठीक है। अब चाहे वो कस्टमर UPI से करे, पेटीएम वॉलेट से करे, ज़रूरी नहीं है पेटीएम पोस्टपेड से करे। अगर आपका जो पेंडिंग बचा हुआ है वो किसी भी चीज़ से अमाउंट अगर कोई ट्रांसफ़र करता है तो काट लेगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये मत सोचना उस टाइम पर पेटीएम पोस्टपेड से यूज़ करेगा तभी काटेगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना, अभी तक आपका नहीं कटा है तो आपको पेटीएम की जितनी भी सुविधाएं सब बंद कर देनी है, किसी और अकाउंट में आपको चालू कर लेना है, ठीक है। बाकी अगर आपका कट चुका है सारा, तो आपको क्या करना है, आपको जो है पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन उसके अंदर बंद करने के लिए आता है, वो बंद कैसे करते हैं मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जिन भाइयों को भी MDR चार्जेस कट चुका है, मतलब 20 हज़ार 30 हज़ार रुपये जो भी कट चुका है आपका, उसके बाद आप चाहते हो कि आपको कोई बैलेंस ना कटे, तो आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो पेटीएम बिजनेस ऐप के अंदर आपको जाना है, उसके अंदर जैसे आप ऊपर की तरफ देख सकते हो 3 डॉट आपके बने हुए आ रहे हैं 3 लाइन में, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो या आगे की तरफ बढ़ा देता है, आप देख सकते हो इसमें लिखे वाले कुछ ऑप्शन, तो इसमें आपको दूसरे वाले ऑप्शन पे जाना है जिसमें लिखा है पेटीएम पेमेंट लिमिट एंड चार्जेस, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो या आगे बढ़ा देता है, तो रिफ्रेश करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको किस किस चीज़ पर चार्ज लगने वाला है। तो UPI से आप करती है तो आपके लिए फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक से करते हो तो भी आपके लिए फ्री है। पेटीएम वॉलेट से आपको पेमेंट करता है तो वो भी आपके लिए फ्री है। मगर पेटीएम पोस्टपेड पर जैसे आप क्लिक करते हो, आप देख सकते हो उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपका पेमेंट चार्जेस लगेगा, जो कि आपका 1.99%, ठीक है। तो पहला कुछ कम था, इसने और ज़्यादा बढ़ा दिया है, आप तो ये आप देख सकते हो ये चार्जेस आपका कटना ही कटना है अगर आप पेटीएम पोस्टपेड से कोई भी आपके पास पेमेंट करता है, ठीक है। तो इसको आपको बंद करना होगा। बंद करने के लिए आपको ये ब्लू टिक दिख रहा है, ब्लू टिक पर जैसे आप क्लिक करते हो तो ये आपका जो भी स्कैनर है आप कर दे सकते हो आप फिंगरप्रिंट लगाने के बाद। उसके बाद डिसेबल पेमेंट लिखा हुआ आपका, डिसेबल पेटीएम पोस्टपेड, तो जैसे आप डिसेबल पेटीएम पोस्टपेड पे करोगे क्लिक तो ये इसे ऑफ़ कर देगा। तो आप देख सकते हो इसने डिसेबल्ड कर दिया है पेटीएम पोस्टपेड को। अब डिसेबल्ड करने के बाद मैसेज भी मेरे पास आ गया, तो इस तरह से आपको इसे ऑफ़ कर देना। अब कोई भी कस्टमर आपका QR कोड स्कैन करने के बाद जैसे पेमेंट करता है, तो अगर बाला से वो पेटीएम पोस्टपेड यूज़ करता हो, उसके बाद पेटीएम पोस्टपेड से पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपके पास पेटीएम पोस्टपेड से वो पेमेंट नहीं कर पाएगा। उसे या तो UPI से करना पड़ेगा या डेबिट कार्ड से किसी से भी करना पड़ेगा, ठीक है। पेटीएम पोस्टपेड से पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसे बंद करने के बाद आपका ये फ़ायदा, आगे को आपका MDR चार्जेस नहीं लगेगा। तो यही जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।